कोरोना का प्रकोप एक बार फिर दुनिया में दहशत का सबब बनता जा रहा है। चीन में कोविड के बेकाबू होने से बाकी देशों में भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार भी चीन से ही कोरोना की महामारी पैदा हुई थी। चीन के हालात पर भारत सरकार की भी पूरी नजर है। सरकार का दावा है कि हर चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन साथ ही हिदायत भी दी है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सरकार भी चौथी लहर की आशंका को लेकर चिंतित है। चीन में फिर एक बार कोरोना का कहर शुरू हुआ तो हिंदुस्तान में अलर्ट जारी हो गया। लोगों में डर है, क्या 2023 में फिर कोरोना तांडव मचाएगा? क्या फिर वही मंजर दिखेगा जिसने लाखों परिवारों में मातम फैला दिया? पिछले कुछ दिनों में ही चीन में लाखों की संख्या में कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। हालात इतने गंभीर हैं कि ना तो दवाइयां हैं ना इंतजाम, और चीन के हालात हिंदुस्तान में हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि संकट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 4,46,00,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 5,30,000 से ज्यादा मौत हुई है। 4,41,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए, लेकिन एक्टिव केस अभी भी 3,500 है। यानी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। वैसे भी पड़ोसी देश में हालात परेशान करने वाले हैं, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने मुस्तैदी बरतनी शुरू कर दी है। देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इनमें सबसे ताजा वेरिएंट है BF7। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट ही फैल रहे हैं। देश में आज भी डेल्टा वेरिएंट कहीं कहीं दिख रहा है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने समीक्षा बैठक की। हमें केयरफुल रहना है, और उस केयरफुलनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, वो आती है जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके कई पहलू हैं। एक दो पहलू की चर्चा करूंगा ब्रीफली। उसको जो चल रहा है उसको हम और एनर्जाइज करेंगे और उसको इंटेंसिफाई करेंगे इन दिस सिचुएशन। चीन के हालात बताते हैं के दुनिया में कई देशों की स्थिति बिगड़ने वाली है। हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि चिंता खुद ब खुद बढ़ जाती है। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। देयर इज नो डिसीजन विद रिगार्ड टू एनी चेंज इन द एविएशन। देश ने कोरोना का बहुत गहरा दर्द झेला है। ऐसे में केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, कोई भी इस महामारी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। सीएम योगी गुरुवार को कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बैठक कर सकते हैं। इस बीच यूपी में अलर्ट जारी हो गया है। सरकार ने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोविड प्रभावित देश की यात्रा से लौटे लोगों की जांच करवाई जाएगी। एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य में सतर्कता बरते जाने के निर्देश हमने दिए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जांच करने के लिए, और संदिग्ध मरीज हैं उनकी जांच करने के लिए, और विदेश यात्रा से आए यात्रियों पर विशेष नज़र रख करके उनकी जाँच करने के निर्देश दिए हैं। विदेश यात्रियों पर नज़र रखेंगे कि कोरोना महामारी को लेकर चाइना में और अन्य राष्ट्रों में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका को समझता है। यानी फिर से वही सब तैयारी शुरू हो गई है जो पिछली 3 लहर में देखा गया। कोरोना के बढ़ते खतरे ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। फिलहाल हम लोग की तैयारी जो कोविड की है वो पहले से ही पूरी है। तीसरी लहर के दौरान तैयारी कर ली गई थी। पर्याप्त बेड है चिकित्सालयों में, वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन है, और जो भी मानव संसाधन है जितने भी हैं उनको सबकी ट्रेनिंग है। उनको सबको बीच बीच में उनको ड्रिल कराते हुए उनको बीच में कोविड के केसेस कम हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के जो तैयारी है वो वैसी ही बनी हुई थी। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक महामारी की चौथी लहर से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कानपुर में अभी भी हर रोज करीब 1,000 लोगों की जांच की जा रही है। अब बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दोबारा जांच शुरू होगी। वर्ड ओवर
देशों में कुछ केसेस बढ़ते हुए मिले हैं, इससे हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और इसके उपाय भी किए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अभी तक हमारी जो है टेस्टिंग चली रही थी, वो चलती रहेगी और हम उसमें विशेष रूप से जो हमारे लक्षणों से संबंधित हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, इस तरह के जो केसेस होंगे, इन पर हम अपनी सघन निगरानी बनाए रखेंगे और जो ज़्यादा सीरियस है उनके हम टेस्टिंग भी कराएंगे। कोरोना के जख्म आज भी लाखों घरों में ताजा है। ये सब ने देखा है कि जब महामारी विस्फोटक होती है तो ना तो इंतजाम पूरे दिखते हैं और ना ही बचने का कोई रास्ता नजर आता है। ऐसे में जरूरी है कि महामारी की चौथी लहर को पैर पसारने का मौका ही ना मिले। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बीच हमें और आपको नए खतरे को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, जिससे समय रहते हर नागरिक सावधान हो जाए और कोरोना के नए खतरे को पूरी तरह बेअसर कर दे। आखिर मौजूदा संकट की तस्वीर कैसी है, अब इसकी हर खास बात आपको बता देता हूं। कोरोना की नई घुसपैठ, इसको समझिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज की एक्सपर्ट कमेटी की बैठक की, आम राय बनी कि कोविड संक्रमण में तेजी से उछाल नहीं, लेकिन निगरानी बेहद जरूरी है। 19 दिसंबर 2022 को संक्रमण के औसतन रोजाना के सिर्फ 158 थे। लगातार 6 हफ्ते से भारत में संक्रमण के रोजाना के केस में कमी है। दुनिया भर में हर दिन बढ़ते केस की वजह से चिंता बढ़ी है। 19 दिसंबर 2022 को दुनिया भर में रोजाना संक्रमण के मामले 5.9 लाख। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमेरिका में संक्रमण में तेजी से उछाल है। नए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग पर भारत का जोर है। नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने में भी मदद मिलेगी। समय रहते ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। अब हर दिन राज्य स्तर पर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। संदिग्धों, संक्रमित मरीजों की ट्रैकिंग पर फोकस बढ़ेगा। आइसोलेशन की सुविधाएं और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले त्योहारों पर खास सावधानी बरतने को कहा गया है। भीड़ की जगहों की खास निगरानी होगी। हर नागरिक को मास्क लगाने की नसीहत दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।